हे एवरीवन, तो आज आपके साथ मैं एक ऐसी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो खाने में तो बहुत ही डिलीशियस है, साथ ही बहुत ही माउथ मेल्टिंग बनने वाला है। बहुत ही सॉफ्ट रुई के जैसा बनता है। चॉकलेट और वनीला का फ्लेवर है, बहुत ही ऑसम सा फ्लेवर आता है इसका। केक लुक वाइज आपको देख के समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना था। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इसे बनाने का प्रोसेस देख लेते हैं। चॉकलेट और वनीला का फ्लेवर हमने इसमें दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट यूज़ किया है। आप देख सकते हैं डार्क चॉकलेट यहाँ पे मैंने 100 ग्राम यूज़ किया है। इस तरह से थोड़े थोड़े बड़े बड़े क्यूब्स में आप इसे कट कर लें। एक बाउल में यहाँ पे मैंने लिया है 2 एग, और एग वाइट और एग योक को मैंने सेपरेट कर लिया है। तो सबसे पहले एक बाउल में एग वाइट ले लेंगे हम 2। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 चम्मच वाइट वेनेगर, जो नॉर्मल वाइट वाली वेनेगर आता है ना, वो यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। वो एक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के यूज़ किया है। अब इसमें मैं ऐड करूँ पीसी हुई चीनी, तो यहाँ पे मैंने मैदा ऐड किया है 400 ग्राम और चीनी ऐड किया है 200 ग्राम। तो अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी में कम कर सकते हैं। अब सभी को एक बार हमको बीट कर लेना है। यहाँ पे आप हैंड विक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बीटर से जल्दी हो जाता है, तो यहाँ पे मैंने बीटर का यूज़ किया है। अब जैसे ही सारा शुगर इसमें मिक्स हो जाए, यहाँ पर मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल यहाँ पर मैंने 100 ml यूज़ किया है। इसे भी डालने के बाद एक बार हम बीट कर लेंगे। बस यहाँ पे ये रेडी हो गया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पे मैंने मैदा ऐड किया है, तो मैदा यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ऐड किया है। अब बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमको कितना ऐड करना है इसमें, तो घर का जो नॉर्मल चम्मच होता है ना, उसमें 1 चम्मच भर के यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर लिया है और 1/4 TSP बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा की क्वान्टिटी आपको कम ही रखनी है। 1 पिंच यहाँ पर सॉल्ट भी ऐड किया है। 70 ml यहाँ पे मैंने मिल्क का यूज़ किया है। थोड़ा थोड़ा मिल्क डालना है और कंटिन्यू से एक बार बीट करके इसका एक लिक्विड सा बैटर रेडी कर लेना है। अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे हम। इस रेसिपी के लिए फ्रेंड्स बीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि ये काम जल्दी हो जाता है इसलिए मैंने बीटर का यूज़ किया। आप हैंड विक्स का भी यूज़ करके इसे बना सकते हैं, या फिर आप इसे ग्राइंडर में डालकर आप बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 पार्ट में मैंने मिल्क का यूज़ किया है। उसे डालने के बाद अच्छे से इसका एक लिक्विड सा बैटर बनाना है। अगर आपको लग रहा है कि बैटर बहुत ज़्यादा आपका टाइट है, अभी आपको एक्स्ट्रा दूध डालने की ज़रूरत है, तो 1 से 2 चम्मच आप एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग योक लिया है, इसमें ऐड किया 1 चम्मच वनीला एसेंस, साथ ही दही को अच्छे से फेंट कर ऐड किया है मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच। इसे हम बीट कर लेंगे एक बार, और इस बैटर को हमको ऐड करना है एग वाइट वाले जो बैटर हम पहले से रेडी करके रखे हैं उसमें, और ये प्रोसेस आपको लास्ट में करना है। बस डालने के बाद एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बैटर यहाँ पे रेडी हो गया है। इसे बेक करने के लिए यहाँ पे 2 पाउंड का यहाँ पे मैंने लिया है केक टिन। इस पर पहले मैंने ऑयल लगाया है, ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और मैदा डाल के इसे टेस्ट कर लेंगे, ताकि केक हम इसमें जब भी पोर करें तो इसे डीमोल्ड करने टाइम हमको दिक्कत ना आए। अब इसमें बैटर कैसे ऐड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप कि मैं पहले बैटर ऐड कर रही हूँ, तो हाफ़ बैटर पहले आपको ऐड कर लेना है। चॉकलेट का जो पीसेस है हमने थोड़ी बड़ी यहाँ पे यूज़ की है, तो अगर पहले आप बैटर में मिक्स करके ऐड करेंगे ना, तो सारा जो चॉकलेट है वो नीचे बैठ जाएगा। तो बैटर में हमको मिक्स नहीं करना है चॉकलेट। अब यहाँ पर चॉकलेट मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, तो चॉकलेट के जो पीसेस हैं ना वो थोड़े बड़े हैं, इसलिए इस प्रोसेस को मैंने यहाँ पर किया है। तो आधी चॉकलेट्स के पीसेस मैंने यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद फिर से ऊपर हम बैटर डालेंगे और ऊपर टॉप में भी अब सारे बैटर डालने के बाद जो बाकी के चॉकलेट के पीसेस हैं वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे बेक करने के लिए मैंने प्री हीटेड ओवन में इसे 50 मिनट के लिए रखा था 170 डिग्री पे। तो देख सकते हैं ये बेक परफेक्ट हो गया। अगर इसे आप कढ़ाई में बना रहे हो तो कम से कम 1 घंटे के लिए आपको इसको रखना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। इसे अब चलिए डीमोल्ड कर लेते हैं फटाफट से। तो इसे 10 मिनट मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब देख सकते हैं कितने अच्छे से ये डीमोल्ड भी हो गया है। परफेक्ट हमारी केक बनी है, बहुत ही सॉफ्ट है। मैं इसे आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप, वनीला के साथ जो डार्क चॉकलेट का टेस्ट आता है ना, इससे केक बहुत ही डिलीशियस सा लगता है। केक के देख सकते हैं परफेक्ट ये बेक हो गया है। तो इस केक को जब भी खाएं ना, तो थोड़े 1 दिन के लिए आप इसे रख दें, उसके बाद इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसे बनाकर आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। केक देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।